नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बलिया जिले से एक अंधविश्वास पर विश्वास करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वीडियो में एक पूर्व प्रधान सामंतों की तरह कुर्सी पर बैठा है और उसके पास एक युवक है जो बर्तन में प्रधान का पैर डालकर पहले धोता है, फिर उस पानी को पी जाता है। वायरल वीडियो के पड़ताल में वीडियो मनियर ब्लॉक के विशुनपुरा गांव का बताया गया, जिसकी जानकारी लेने मीडिया उस गांव में सच जानने पहुंची और उसका सामना उस व्यक्ति से हुआ जिसका वायरल वीडियो में पैर पानी से धोकर एक युवक पीता है। पता चला वो व्यक्ति गांव का पूर्व प्रधान श्रीनिवास मिश्रा है। पूर्व प्रधान से मीडिया ने वायरल वीडियो का सच जानना चाहा, जिसका जवाब भी हैरान कर देने वाला मिला। जवाब में पूर्व प्रधान ने बताया कि 1985 में नवरात्रि का व्रत रखता हूँ। व्रत के दौरान मैं अन्न ग्रहण नहीं करता। रोज सुबह 4 बजे माँ दुर्गा का पाठ करने के बाद ही चाय पीता हूँ। इसी धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से लोग मेरा पैर धोकर मेरे चरणोदक पीते हैं। हमारी धार्मिक दृष्टिकोण से जी एक गुरु मान करके लोग आदर करते हैं। हम लोग भी जब अपने गुरु आते हैं तो उनका पैर धोते हैं, अपन चरणोदक लेते हैं। क्योंकि हम 1985 से हम नवरात्र में दोनों नवरात्र 9 दिन व्रत रहते हैं, जिसमें अनवरण ही ग्रहण करते हैं। और डेली का हमारा नियम है ये कि मैं 4 बजे उठता हूँ और दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के बाद ही मैं चाय पीता हूँ, 7:30 बजे पीता। और धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से सारे लोग इस तरह के लोग कुछ सम्मान करते हैं, आते हैं और आ करके अपना पूज्य समझ करके हमको प्रणाम करते हैं। और वो जो लड़का था, मैं रुक रहा था, वो कहा नहीं जे नवरात्र में आपका आशीर्वाद मैं लेना चाहता हूँ, आपका चरणोदक लेना चाहता, तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं नवरात्र हूँ। इसलिए वह लड़का जो है हमको बार बार बात किया कि नहीं, हम जब दे देंगे तो हमारी बहुत हमारी सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपका आशीर्वाद लेंगे बाबा, क्योंकि आप नवरात्र बहुत दिन से रहते हैं और एक आप ही व्यक्ति हैं जो कि डेली मंदिर पर जाते हैं, हर जगह पूजा पाठ में आपका धार्मिक रहता है, इसलिए आपको हम अब अपना गुरु मान करके करते हैं, चरणोदक नहीं देंगे तो हमारे ठेस लगेगा। वहीं इसी ग्राम पंचायत पद के प्रत्याशी के पति की माने तो यह कृत्य निंदनीय है और एक अपराध भी है। यहाँ के महामहिम पहले वो प्रधान रह चुके हैं और यह दिखाना चाहते हैं, यहाँ गोंड बिरादरी के लोग बहुत ज़्यादा मात्रे में हैं और सबको नीचा दिखाने का प्रयास है। ऐसे युग में राम का भी पैर केवट से धोया था। हमारे शास्त्र में जब शादी होती है उसमें भी ये होता है कि दामाद का पैर पखारा जाता है, लेकिन कहले उसमें भी पैर पखार कर पिया नहीं जाता है। लेकिन ये आज के वैज्ञानिक युग में 21वीं सदी में और इनके जैसा लोग जो अपने को कहता है कि मैं राष्ट्रपति और प्रधान से पुरस्कृत हूँ, अपने मैल भरे पैर को धो करके, और अगर कोई नासा से नशा लिया हो उस व्यक्ति पीने जा रहा हो और कुर्सी पर बैठ करके ठाट से उसको पिलते हुए देख रहा हूँ, यह अति घोर निंदनीय है। आइए सारे गोंड बिरादरी और नहीं छोटे मोटे लोगों की यह तौहीन है, बहुत ही तौहीन है, यह निंदनीय है, यह अक्षम्य है, यह अपराध है। एक तरह से कि अपना पैर धोकर किसी को पिलाया जाए, यह एकदम अक्षम्य है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।